रेस्पेक्ट की हमें सेल्यूलर्स की हमें सेल्यूलर की ना रेस्पेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये चीज़ ऐसी है जो अंदर से ऑटोमेटिकली निकल जाती है। देशभक्ति सबके अंदर है, बस जरूरत है उसको थोड़ी सी जगह देने की। और यही हमारी कैंपिंग है, हमारे में बहुत सारी हैबिट होती है। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो विश करते हैं, फेस्टिवल होता है तो विश करते हैं। लेकिन जो हम कभी इंडियन सोल्जर्स को देखते हैं तो नॉर्मली आए चले गए, अंदर से कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारी कैंपिंग है कि जब भी हम अपने इंडियन सोल्जर्स को देखें तो उनको फील कराएं कि यू आर अवर रियल हीरो, कि आप हैं तो हम हैं, आप जागते हैं तो हम सोते हैं। आज हम इतने अच्छे से माहौल में छोटी सी वर्कशॉप कर रहे हैं, कितने पीसफुल से, क्योंकि हमें पता है कि दुश्मन हम तक पहुँच नहीं सकता। जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। रेस्पेक्ट इन इंडियन सोल्जर्स सिर्फ एक ये नहीं कि हम उनकी रेस्पेक्ट करें, एक सोच है, हमें अपनी ये सोच हैबिट में लानी है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे तो हैंड वॉश करेंगे, डिनर करेंगे तो हैंड वॉश करेंगे, लंच करेंगे तो हैंड वॉश करेंगे। उसी तरह ये जो रेस्पेक्ट, ये सोच है कि जब भी हम देखें इंडियन सोल्जर्स को तो उनको सैल्यूट करें, क्लैपिंग करें, या वो सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं जय हिंद, अगर हम उनको जय हिंद कह के संबोधित करते हैं तो उनके लिए वो सबसे बड़ा ऑनर होता है। बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोग कहीं पर भी बैठे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हैं, बस स्टैंड पर बैठे हैं, तो जब भी उनके सोल्जर्स गुजरते हैं तो वो उनको रेस्पेक्ट देते हैं, सलामी देते हैं, ताली बजाते हैं। बट हमारी कंट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन पटक होते हैं। अगर सोल्जर्स को पत्थर लग रहे हैं तो सब लोग ठीक है, अगर सोल्जर ने एक्शन किया तो सारे मानवाधिकार जो है वो सोल्जर्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसी सोच को हमें बदलना है। और जो बच्चे होते हैं वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को छोटी सी भी चीज़ बताई जाए तो वो घर में जाके डिस्कस करते हैं। और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी आवाज़ को घर घर तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को लाइक करें, इस पेज से जुड़ें, और जो ये हमारी सोच है उसको वो घर घर तक पहुँचाएँ कि सोल्जर दिया अवर रियल हीरो। सबके कोई ना कोई फेवरेट होते हैं, लेकिन वो हमारे रियल हीरो हैं। जो हमारे रियल हीरो हैं वो हमारे सोल्जर्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो हमने ये कैंपिंग की, तो बहुत सारे बच्चों ने चार्ट मेकअप किया है, अपनी स्पीच तैयार की है, वो इंडियन सोल्जर्स को क्या कहना चाहते हैं तो आपको बताएंगे। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, इस कैंपिंग का हिस्सा बने। ये कैंपिंग हमने बच्चों से स्टार्ट की है, क्योंकि हम स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़े हुए हैं। पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूलों में ट्रेनिंग होती है, तो उसी ट्रेनिंग में हमने अपने एक पार्ट जोड़ा है कि हम इस चीज़ से जागरूक करें, रेस्पेक्ट एंड क्लेम इंडियन फॉर सोल्जर्स, कि हम उनकी रेस्पेक्ट क्यों करें, ऐसे को हमारे लिए क्या करते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत सर्दी होती है तो छुट्टियों का वेट करते हैं कि यार डीएम ने छुट्टी नहीं करी है। बट कभी आप लेह लद्दाख जाके देखिए, -30 डिग्री से टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। अगर आपका हाथ किसी पत्थर पर लग जाए तो आपकी जो स्किन है वो पत्थर से छूट जाती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं वो किसी से शिकायत नहीं करते, वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। अभी जब गर्मी आएगी, अगर लाइट आधे घंटे के लिए चली गई तो शोर मचा देंगे, लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी में कैसे रहें। कभी आप गुजरात या राजस्थान के बॉर्डर पर जाके देखिए, जब कुछ धूल उड़ती है तो वह स्कीम भी जला देती है। और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, किसी से शिकायत तक नहीं करते। तो आप जितने भी लोग हैं प्लीज़ इस कैंपिंग का हिस्सा बनिए, सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करिए। और जहाँ पर भी आपको इंडियन सोल्जर्स दिखाई देते हैं, इंडियन सोल्जर्स ये सब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरएफ, बीएसएफ, यहाँ तक कि हमारे पुलिस वाले भी, आप उनको सैल्यूट करिए, क्लैपिंग करिए, जय हिंद कह के संबोधित करिए, और उनको फील कराइए कि आप अकेले नहीं हैं बॉर्डर पर, 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। बस इतना ही कहेंगे, और आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, वंदे मातरम, तेज आवाज में, वंदे मातरम।